भाइयों, इस वीडियो में हम जिस प्रोजेक्टर की आज बात करने वाले हैं वो है NEC का ब्रांडेड प्रोजेक्टर। ये एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर है, साथ साथ आप इसके अंदर मूवी या फिर शो को वॉच कर सकते हैं हाई रेजोल्यूशन या फिर हाई डेफिनेशन क्वालिटी में। अब ये प्रोजेक्टर की अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करूँ तो यह आपको लोकल या ऑनलाइन मार्केट में 26,000 से लेकर 39,000 तक मिलेगा। इसकी एक्जैक्टली प्राइस मुझे यहाँ पर पता नहीं चल रही, अलग अलग वेबसाइट पर इसकी प्राइस अलग अलग यहाँ पर शो हो रही है। तो इसकी जो प्राइस है वो 26,000 से लेकर 39,000 तक आपको देखने के लिए मिलेगी, पर ये प्रोजेक्टर सिर्फ आपको 11,500 रुपये में मिल सकता है। अब इसकी इतनी कम प्राइस आपको कैसे पे करनी होगी इसको बाय करने के लिए, इसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं इसके बारे में, तो बिना किसी देरी के वीडियो को करता हूँ शुरू। ये जो प्रोजेक्ट हमारे पास आया है ये NEC ब्रांड की तरफ से आया है, और NEC जो ब्रांड है ये जैपनीज ब्रांड है और ये प्रोजेक्टर के मामले में काफ़ी अच्छी ब्रांड मानी जाती है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं जो कि मैंने आपको पहले भी बताई है, तो ये सिर्फ 11,500 रुपये का है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये प्रोजेक्टर आपके हिसाब से बेस्ट रहेगा या नहीं। अगर आप इसको ऑफिस वर्क के हिसाब से ले रहे हैं या प्रेजेंटेशन के हिसाब से ले रहे हैं तो ये प्रोजेक्टर बेस्ट है, बट अगर आप होम यूज़ के लिए इसको ले रहे हैं, मूवी या फिर शो को वॉच करने के हिसाब से ले रहे हैं, तो क्या ये प्रोजेक्टर बेस्ट रहेगा, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले कुछ स्पेसिफिकेशन इसके देख लेते हैं जो कि एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होने वाली है। अगर इस प्रोजेक्टर की डायमेंशन की अगर हम बात करें तो ये 30x24x9.5 के साथ हमारे पास आती है। अगर लैंप लाइफ की अगर हम बात करें तो 6000 घंटे का लैंप लाइफ आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अगर इसके हम लुमेंस लैंप की बात करें तो वो 2800 का हमको देखने के लिए मिलता है। और अब हम देख लेते हैं इसका ओवरव्यू कि इसके अंदर कौन कौन से सपोर्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं, कौन कौन से डिवाइस इसके अंदर कनेक्ट हो जाएंगे, किस तरीके के बटन फैसिलिटी हमको इसके अंदर दी गई है, साथ में इसका लैंप कितना बड़ा है, इसके अंदर जो ऑडियो आउटपुट हमको दिया गया है उसका स्पीकर कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर हमको फैन की कितनी कैपेसिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, तो ये जो बातें हैं ये ऑडियो में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर इसके हम अपर साइड या फिर ऊपर की डिज़ाइन की बात करें तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि है DLP। ये जो प्रोजेक्टर है ये DLP टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे आया है। DLP टेक्नोलॉजी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है 8GB लाइटिंग के अंदर। ये जो प्रोजेक्टर होते हैं या फिर इस टाइप के जो प्रोजेक्टर होते हैं जिसको आप प्रेजेंटेशन या होम यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, इनके अंदर DLP टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ होता है, जो कि आपकी पिक्चर क्वालिटी को ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, क्रोम बूस्ट के साथ वो आपको प्रेजेंटेशन यहाँ पे शो करने में मदद करते हैं, तो उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ इसके अंदर किया गया है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक और चीज़ देखने के लिए मिलेगी, इसके अंदर HDMI का हमको सपोर्ट मिलता है। वैसे तो ये बहुत नॉर्मल बात हो चुकी है कि HDMI का सपोर्ट हमको देखने के लिए मिलता है, पर इस टाइप के प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर के अंदर अगर हमको HDMI का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अंदर हमको AV मोड देखने के लिए मिलता है, इसके अंदर जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। PC इनपुट का फीचर हमको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, इसके अंदर हमको मैन्युअली जूम करने का यहाँ पे फीचर मिलता है और ये मैन्युअली एडजस्ट यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। इसको जूम और इसको फोकस करने के जो मैन्युअली यहाँ पे गेयर दिए गए हैं आप इसको इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और ये मैन्युअली एडजस्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको रिमोट कंट्रोल की मदद से यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, ये मैन्युअली यहाँ पे एडजस्ट किए जाएंगे। अगर इसका हम बटन फैसिलिटी की बात करें तो 3 बटन यहाँ पे दिए गए हैं, एक पावर का बटन है, एक सोर्स का बटन है और एक ऑटो एडजस्ट का बटन है। इसके अंदर हमको 3 इंडिकेटर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक लैंप, स्टेटस और पावर बटन को यहाँ पे शो करते हैं। अगर इसके मॉडल नंबर की हम बात करें तो वो है VE2@1, और ये जो मॉडल नंबर है इसकी जो प्राइस है वो इंटरनेट पे 26,000 से लेके 39,000 तक चल रही है। मुझे एग्जैक्ट प्राइस की पता नहीं चल रही, अलग अलग वेबसाइट पर इसकी अलग अलग प्राइस है और ये फ्लिपकार्ट अमेजोन पर करंटली अनवेल शो कर रहा है, तो इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है वो मैं आपको फिलहाल नहीं बता पाऊंगा, पर इसकी जो बेस्ट प्राइस है जो इंटरनेट पर आपको मिल सकती है अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं, तो उस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अंदर जो स्पीकर हमको दिया गया है वो आपको टॉप एंगल में यहाँ पे मिलेगा, और इसको जो स्पीकर का साइज है वो छोटा है, बट ये एक मीडियम साइज़ का स्पीकर हमको देखने को मिलता है। उसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी बिलो एवरेज है, क्योंकि इस टाइप के जो प्रोजेक्टर होते हैं उसके अंदर अगर आप आउटपुट लेना चाहते हैं ऑडियो का, तो उसके लिए आपको एक डेक या फिर एक होम थिएटर अलग से कनेक्ट करना होगा। आप इतने छोटे से स्पीकर से इस टाइप के प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर से कोई भी मूवी या शो को वॉच नहीं कर सकते। अगर इसके हम बैक साइड की बात करें तो कुछ पोर्ट हमको यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें शामिल है एक HDMI केबल,
8GB केबल जिसके साथ आप इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, एक वीडियो आउटपुट और एक सेकेंडरी कंप्यूटर केबल। बॉटम साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको एक पावर केबल देखने को मिलती है, और ये जो पावर केबल है ये कंप्यूटर वाली केबल है। अगर आपके पास एक CPU है तो उससे की पावर केबल से आप इसको कनेक्ट करके चला सकते हैं। अगर इसके हम बॉटम साइड की बात करें या जो कि हमको नीचे देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NEC मॉडल नंबर मेंशन है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है NPVE280, और इसके अंदर जो वोल्टेज हमको दी गई है वो 240 की यहाँ पे दी गई है। ये 60 हर्ट्ज पे यहाँ पे सपोर्ट करता है, जो कि इस टाइप के प्रोजेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। कुछ अदर यहाँ पे हमको डिटेल दी गई है, पर इस डिटेल को आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो और ये अलग अलग लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट साइड की, जो कि सबसे ज़्यादा मेन होने वाला है। इसके अंदर हमको एक फैन का सेक्शन दिया गया है, जिससे आप इसकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये एयर फ्लो को बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल करता है। यहाँ पे हमको एक और इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है, जिसमें एक हाथ का निशान और नीचे लिखने का हॉट। इसका मतलब आप इसके ऊपर हाथ मत रखिए, इसमें से जो एयर फ्लो रहता है वो बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में निकलता है। तो ये एक बेसिकली एक वार्निंग है जिसका आपको ध्यान रखना है। फ्रंट साइड में हमको इसका एयर ब्लास्टर रिसीवर देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप रिमोट कंट्रोल का यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके अगर लैंप की हम बात करें तो इसका लैंप काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है इस प्रोजेक्टर के अंदर। और मैं आपको फिर बता दूँ, इस प्रोजेक्टर के अंदर DLP टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया गया है, और उसका जो लैंप होता है वो इतना ही बड़ा यहाँ पे होता है। DLP टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी लैंप बनते हैं वो उनका साइज इतना ही होता है, ज़्यादा बड़ा लेंस उनके अंदर यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसके अंदर जो हमको लेंस कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। ये था इसका एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं इसके सबसे मेन पॉइंट के बारे में, कि इसकी पिक्चर क्वालिटी आखिर कैसी होने वाली है। अगर आप इसको एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से यूज़ करते हैं तो इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी होगी, अगर आप इसको होम यूज़ के हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मूवी या फिर शो को वॉच करने के हिसाब से, तो इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसे होने वाली है। तो इन सभी को हम दो भागों में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। पहले तो मैं प्रेजेंटेशन के हिसाब से इसकी जो आउटपुट है उसको शो करूँगा, उसके बाद एक मूवी का आउटपुट यहाँ पर हम शो करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बेस्ट इसके अंदर आउटपुट हमको देखने के लिए मिलता है। तो हम शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट के बारे में, वो है इसकी प्राइस। आखिर आप कैसे 11,500 में इस प्रोजेक्टर को बाय कर सकते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक में आपको व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट मिलेंगे और व्हाट्सएप में एक नंबर यहाँ पे दिया गया है, उसके थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं। उस मैसेज में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि ये प्रोजेक्टर कैसे आने वाला है, इसकी जो प्राइस है वो कैसे आपको कम पे करनी पड़ेगी, सभी के बारे में जो डिटेल है वो व्हाट्सएप करके आप पता कर सकते हैं। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं इस कंडीशन में, तो आप इसको बाय कर सकते हैं सिर्फ 11,500 रुपये में। उसकी जो सारी डिटेल है वो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।